हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और BIS के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिए होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि लेवल 6 वाला मैटर आ रहा है। अगर आपके पास NSQF लेवल 6 नहीं या लेवल 5 नहीं है तो आप अदर पोस्ट के लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यह बात आप सभी को पता है। तो दोस्तों अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, और आराम से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत सारा डाउट आप बहुत सारा वीडियो देखेंगे, डाउट बढ़ेगा और रहेगा नहीं। और केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता दोस्तों, डाउट आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, वो सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी अदर पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं BIS प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों इससे पहले मैंने दो पार्ट करा रखे, प्लेलिस्ट में वीडियो BIS करके वो जाकर देख लीजिए, और ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों आप सभी के लिए मैथ्स का एक ऐसा सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें से एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस 100% है दोस्तों, ठीक है ना। बशर्ते आप रेगुलर वीडियो को सभी वीडियोस को देखिए, और बहुत ही जल्द मैं चैप्टर वाइज भी क्लास मैथ का शुरू करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए BIS मैथ स्पेशल पार्ट नंबर 3 की तरफ हम आ चुके हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, ठीक है दोस्तों। कोई भी दिक्कत की बात आप सभी को नहीं लेना, बस लास्ट तक आप वीडियो को देखते जाइए। पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी, ठीक है ना। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले। घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने जो है MP मान लिया, माना ये MP है। MP मतलब होता है जो उसका जो मेन जो है दोस्तों, जो उसका अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य को हमने ले लिया है 100। अंकित मूल्य को कितना ले लिया, 100 ले लिया, अर्थात अंकित मूल्य को हमने 100 ले लिया। क्या रहा एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% की छूट, 100 का था 25% की छूट मतलब हो गया 75 में उसने इसको खरीद लिया। ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा, 100 की कोई वस्तु थी, 25 का छूट दे दिया तो 75 में खरीदा, ये डाउट कोई भी नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है खरीदने के बाद उसके 140% पर बेचने से, यानी कि 75 था इसका 140% बेचेगा तो 140/100 कर देंगे, ये तो आप जानते होंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 7 14, 5 1 5, 5 7 75, इतना आ गया ना। तो इसको सॉल्व करेंगे 15 × 7, ये हो जाएगा 105। ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा, 100 का वस्तु था और इसने उसको जब 140% लाभ पर बेचा तो 105 में बेच दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से डिफरेंस कितने का आ गया इसके बीच का, इसके बीच का डिफरेंस 5 का आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 40 रुपया अधिक में बेचा, यहाँ पे 100 का खरीदा 105 में बेचा, 5 रुपया अधिक लिया ना। लेकिन कह रहा है 5 रुपया अधिक नहीं लिया, 40 रुपया अधिक लिया, कितना मल्टी टाइम्स है, 8 गुना अधिक है। ये चीज आप सभी को पता है कि 5 से 40 ये 8 कैसे आएगा दोस्तों, 5 से 40 से भाग दिया तो 8 आ गया। अगर यह 8 गुना है तो ये क्वेश्चन ने पूछा है घड़ी खरीदने की मूल कीमत क्या थी, तो घड़ी खरीदने की मूल कीमत दोस्तों कितनी थी, या अगर यह 8 गुना है तो यह भी 8 गुना हो जाएगा, 100 × 8 = 800। 800 आप जो है आंसर 800 के साथ जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बताइए कैसा लगा, इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी को दोस्तों मिलने वाले हैं, ठीक है ना। बशर्ते आप सभी जो है सहयोग बनाकर रखिए, ठीक है ना। आप सभी लोग दोस्तों क्या करिए, सहयोग बना कर रखिए, और BIS मैथ स्पेशल आपको जो है अच्छे तरीके से मैं क्लियर करा दूंगा। मैथ्स में दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है, ध्यान समझ लीजिएगा, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है जब 40 kg के एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। एकदम बेहतरीन सा शानदार सा ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम हवा में उड़ा देंगे, ठीक है ना, एकदम धांसू ट्रिक के साथ मजा आ जाएगा, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ना बच्चे थोड़ा सा सोचते रहे सर तो ये कैसे होगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से देखते जाए, मजा नहीं ना है तो फिर कहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है नए विद्यार्थी का वजन, तो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हमने लिख दिया, न्यू स्टूडेंट वेट हो गया, ये नए विद्यार्थी का वजन।
तो न्यू स्टूडेंट का वे ध्यान से समझ लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। दोस्तों हमें निकालना पड़ता डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ये कि जो औसत वजन कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। कह रहा औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है तो वो हमारा कहीं ना कहीं डिफरेंट हो गया, ठीक है ना, वही हमारा डिफरेंस हो गया। 1.5 जो बढ़ा वही डिफरेंस हो गया। दोस्तों यहाँ पे 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी के स्थान पे 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ध्यान समझ लीजिएगा, 40 किलोग्राम वाला विद्यार्थी तो था 1.5 बढ़ा, कितने स्टूडेंट में बढ़ा, 15 स्टूडेंट में बढ़ा, क्योंकि शुरू शुरू में 15 विद्यार्थी थे ना, 15 का 1.5 अगर बढ़ गया तो नए भी बढ़ रहा है ना, तो यार बढ़ रहा तो जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं इसमें। 40 किलो पहले था, 1.5 बढ़ रहा 15 का, तो फिर कर लेंगे 40 प्लस 15 का 1.5 में दोस्तों गुणा करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। कितना जाएगा 22.5, और 40 से 22.5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 62.5 किलोग्राम का जो है ये नया वाला स्टूडेंट जो है दोस्तों वो कितना है 62.5 किलोग्राम, अर्थात 62.5 केजी जो है सेकंड यहाँ पे नया वाले स्टूडेंट का वजन है। कुछ भी नहीं करना, जो डिफरेंस आता है ना, और जितने नंबर आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके और जो नया वाला जो पुराना वाला स्थापित किया जाता है उसमें आप ऐड कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ट्रिक कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस का लेवल ठीक है या नहीं आप सभी कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना, टफ रखा जाए इजी रखा जाए, लेकिन मैं लेवल के अनुसार लेकर चल रहा हूँ, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 80 लीटर जो है मिल्कर रहता है और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, ठीक है ना। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध और पानी का जो अनुपात है ना वो 2 गुना हो जाए, मतलब दूध पानी का 2 गुना हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर हमारा ये क्वेश्चन सही हो रहा है और हमारा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। कह रहा है 80 लीटर यानी कि जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो स्टार्टिंग में वो कह रहा है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है, ये रेशियो कितना है 3:2 है, लेकिन कह रहा है कितना और दूध मिलाया जाए। एक बात समझ लीजिएगा, ऐसे केसेज में जो मिलाया जाता है ना, जो मिलाया जाता है सिर्फ उसी में डिफरेंस आता है, जो नहीं मिलाया जाता उसके साथ कोई भी हमें छेड़खानी नहीं करनी होती है, ठीक है ना। कह रहा कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि उनका जो पानी का अनुपात हो दुगुना हो जाए, यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाए। अब एक बात पहले समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे किसके साथ छेड़खानी की गई, दूध के साथ, दूध और घट बढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ एक पानी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं ना की गई है, पानी तो बराबर रहना चाहिए दोस्तों ना, यहाँ 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर यहाँ भी पानी होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे 2 कहाँ गुणा कर देंगे दोनों साइड में। अब देखिए 2 × 2 = 4 और ये 2 × 2 = 2। अब देखिए यहाँ भी वाटर 2 लीटर, यहाँ भी वाटर 2 लीटर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पानी के साथ छेड़खानी कुछ भी नहीं किया गया है, तो पानी अगर यहाँ 2 लीटर है तो यहाँ भी 2 लीटर होना चाहिए था, जो कि अब हो चुका है, ठीक है ना। शुरू में जो यहाँ पे जो शुरू में कह रहा है टोटल 80 लीटर था, 3 × 2 = 5 हो गया, तो 5 का जो वैल्यू 80 है, ठीक है ना, यानी कि शुरू में हम अपने अनुसार देख रहे हैं 3 और 2 मिलके 5 लीटर हो गया, 5 लीटर ने 80 लीटर कितना गुना है 16 गुना दी के, कैसे पता चला सर 5 से 80 में भाग दिया 16 आ गया, तो कह रहा कितना लीटर दूध मिलाया गया। देख ध्यान से देखिएगा, 3 लीटर यहाँ है, 4 लीटर यहाँ, एक ही लीटर तो मिलाया गया है, लेकिन अगर यह अगर 16 गुना है तो दोस्तों यह भी 16 गुना दिख हो जाएगा, यानी कि 16 लीटर दूध और मिलाया गया, यानी कि हम 16 लीटर के साथ जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। मिश्रण इरिगेशन के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, आप सभी को क्वेश्चन निकाल लेवल देकर पता चल रहा होगा, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, BIS वाले सभी स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को इसी तरह के वीडियोस मिलेंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कह रहा है फाइंड द LCM ऑफ, इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, फाइंड द LCM ऑफ 0.63, 10.5, 2.1, 4.20।
इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, एलसीएम होता क्या है आप सभी को पता है। जैसे आप इस मेथड से निकालते हैं 2, 3, 5 के एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3, 4, 30 आ जाएगा। एलसीएम जो होती है इससे तीनों से कटनी चाहिए, एक ऐसी संख्या जो तीनों से भाग करने पर दोस्तों कट जाए लेकिन छोटी से छोटी रहे। जैसे 60 और 120, 2, 3, 5 जो है यहाँ पे 60 से भी ये सब डिवाइड करेगा, 120 को भी डिवाइड करेगा लेकिन दोनों में छोटा कॉमन 160, यानी कि एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कैसे करने वाले, थोड़ा सा चेंज होगा दोस्तों, 4.20 है। ध्यान से समझ लीजिएगा इसका एलसीएम आपको कैसे करना है, ठीक है ना। ध्यान से चीजों को देखते जाइए। इसका एलसीएम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पॉइंट जो है ना उसको पहले हम हटाते हैं, पॉइंट को हम रिमूव करते हैं, क्योंकि पॉइंट जब तक रिमूव नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो आप 63/100 कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 100/10 कर दीजिए, यहाँ पे 10 हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान से दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है ना, आपको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। जैसे 0.63 है ना, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है और 100 से डिवाइड भी करना है। इससे ये फर्क होगा, ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों दशमलव को हटा देगा, मतलब ये दशमलव को हटा देगा ये 2 जीरो, तो 63/100 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे किया गया है, मतलब अगर पॉइंट के बाद एक अंक है ना, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 से भाग दे दीजिए। अब एक काम और इस क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे 100 है, यहाँ भी, तो यहाँ भी 100 बनाना है, तो 1 जीरो ऊपर नीचे बढ़ा दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जब इसका एलसीएम निकालते हैं ना, तो न्यूमरेटर यानी कि अंश का एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना, और हम हर का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, बड़ा वाले की, इसमें फार्मूला होता है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो ये जो अंश है टोटल ना, इसका एलसीएम लेंगे। दोस्तों ऑप्शन में आप सभी लोग देख रहे होंगे 0.63, 0.63, 6.30 और 6300 है, ठीक है ना। ऑप्शन लिख दे रहा हूँ 63, 0.63। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब एक बात बताइए, अगर आप इसका एलसीएम निकालने बैठते हो ना टोटल का, तो फिर आपको बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब एलसीएम तो निकालना भी पड़ेगा ना, दिक्कत तो हो जाएगी। अगर एलसीएम उस तरह निकालता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब एक काम करिए, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन 63 में आए हुए हैं और नीचे क्या है दोस्तों, 100, 100, 100, 100, तो 100 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, एचसीएफ 100 ही होगा, ठीक है ना। एचसीएफ दोस्तों यार 100, 100, 100, इसका एचसीएफ अगर ये इक्वल है ना, तो वही एचसीएफ हो जाता है, तो एचसीएफ तो 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन में तो ये दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आने वाला क्या है दोस्तों, अगर इसका आप एलसीएम निकालते हैं, वो 63 से भी कटे, 1050 से भी कटे, 210 से भी कटे और 420 से भी कटे। ऐसा जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो 6300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6300। भाग देकर दोस्तों चेक कर लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा, हमें अप्रोच को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 63 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आप यहाँ एलसीएम खुद से कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे जैसे दे रखा है 1050, 63 में भाग दे दीजिए, यही से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 105 और 630 को डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों आगे तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हमारे सामने कह रहा है, एक संख्या के 2/5 का 3/4, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या के 2/5 का 3/4 और उसी संख्या के 2/8 का 4/5 के बीच का अंतर 15 है, तो वह संख्या क्या है, ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या रहा है, एक संख्या के 2/5 का 3/4 और उसी संख्या के 2/8 का 4/5 के बीच का अंतर 15 है, वह संख्या क्या है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2/5 और यहाँ 3/4 लिखा है, ठीक है। आगे कह रहा है
2/8 और 4/5 ये चीज लिख रखा है और अंतर 15 दे रखा है। तो दोस्तों हम ये कैसी संख्या मान लेते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा, इसका इसका 8/5 40, इसका 4/5 20, हमने वो संख्या 40 मान लिया, माना हुआ संख्या 40 है। माना हुआ संख्या क्या है दोस्तों, माना हुआ संख्या 40 है, हमने उस संख्या को क्या मान लिया, 40 मान लिया। अब आपको करना कैसे है, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देना है और जो बड़ा हो रहा ना उसी को आप 40 मान लीजिए, ठीक है ना। माना हुआ संख्या 40 है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब इसका ये मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है 2/5 का 3/4, तो 2/5 × 3/4, तो 3 × 6 = 5 × 20, यही तो हुआ। और इसका देखेंगे कितना हो जाएगा, दो का मतलब गुणा होता, सो में गुणा कर रहा हूँ, 2/8 × 4/5, 4 × 8 = 8/8 = 40, ये चीज हो गया। अब ध्यान समझ लीजिएगा, 6/20 का 40 कितना होगा, 6/20 × 40, तो कितना हो जाएगा, 20 × 20 = 20, 20 × 40, 6 × 12, दोस्तों ये 12 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 8/40, कह रहा ना उसका जो है 40 से 40 कैंसिल, इधर 8 हो गया। अब ये कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, क्या बोल रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 है, यानी कि 12 - 8 का जो वैल्यू दे रखा वो 15 दे रखा है। दोस्तों यहाँ 6/20 का 40 क्यों किया गया, कह रहा इस एक संख्या के 2/5 का 3/4 और उसी संख्या के 2/8 का 4/5 के बीच का अंतर 15 है, यानी कि उसी संख्या से तुलना दोनों में करा रहा है ना, तो हमें इसलिए ये काम करना पड़ा। अब देखिए आखिर हमें कैसे 12 और 8 कैसे मिलता, आखिर वो संख्या कैसे मिलती, तो 12 में से 8 = 4, 4 का वैल्यू 15 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/4, तो कह रहा वह संख्या कितनी है, तो संख्या 40 थी ना, 40 से गुणा करा लीजिए बस, यहाँ पे भी 40 आ जाएगा, क्योंकि 40 का अगर उधर गुणा करते तो इधर भी करेंगे, 4 × 4 = 40 और 15 × 150, 150 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका जिसका भी 150 आया है वो राइट है, बाकी जिनका भी दूसरा आंसर है वो गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको सभी को लेकर चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना, तो आप सभी लोग क्या करिए, सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर भी क्लास होता है, फिर सारी क्लासेस प्रयास किया जा रहा है लेने का। 11 नतीजों का औसत 30 है, यदि पहले 5 नतीजों का औसत 25 हो और अंतिम 5 नतीजों का औसत 28 हो, तो छठा नतीजा क्या होगा। ऑप्शन 90, 50, 65, 75 आप सभी के सामने है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। 11 नतीजों का औसत 30 है, तो 11 नतीजों का औसत 30 है, फिर कह रहा है पहले 5 नतीजों का औसत 25 है, तो पहले 5 का औसत 25 है ना, तो 5 का हम 25 में दोस्तों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, फिर और अंतिम 5 का औसत 28 हो, 5 × 28 जा रहा है, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर है, इसका ट्रिक भी एक होता है, लेकिन ये मेथड थोड़ा ठीक लगता है, सबको पता रहता है ना। 11 संख्याओं का औसत 30 है, पहले 5 का 25 और अंतिम 5 का 28, तो देखिए यहाँ पे 11 संख्या है ना, तो 5 और 5 = 10 संख्या घट जाएंगी, तो छठा हमको मिल जाएगा। 11 × 0 = 33, 25 × 5 = 125, 28 × 5 = 40, 5 × 10 = 114 हो जाएगा। 330 − 125 और 140 जोड़ देंगे तो 165 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 165 हो जाएगा। अब यहाँ पे 330 में से 165 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 165, 10 में से 5 = 6, 12 में 6 = 6, यानी कि हमारा आंसर 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 65 ऑप्शन सी के साथ जाने वाले, कितना जाएगा, 65 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को ना हम ऐसे ही करने वाले हैं, ज्यादा वो नहीं करना कि अरे सर ये वो, कुछ भी नहीं यार, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, बस आप सभी लोग ये देख कर एग्जाम देने जरूर जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है बी और ए ने क्रम से 40,000 रुपए और 75,000 रुपए की राशि निवेश की, 5 वर्ष के अंत में उन्हें 46,000 रुपए का कुल लाभ प्राप्त हुआ, उसमें से ए का हिस्सा कितना है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा बी और ए ने, तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के बी और ए कर दिया, वहां ए और बी होना चाहिए ना, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि ए और बी ना लिखे, वो ऐसे ही कर देते हैं, तो हमें ए और बी को लिखना है, चीजों को समझिएगा। ए ने कितना निवेश किया दोस्तों, 75,000,
और बी ने कितना निवेश किया है 40,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, फिर 5 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 5 8 40, यहाँ पे 15:8 आ गया। दोस्तों ये हो गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यानी कि इन्होंने निवेश इसमें इस अनुपात में इन्होंने निवेश किया है। अगर ये 15 रुपया निवेश करता है तो यह 8 रुपया निवेश करता है, लेकिन कह रहा है 5 वर्ष के अंत में, यानी कि 5 का यहाँ भी गुणा होगा, 5 का यहाँ भी गुणा होगा। इन्वेस्ट इंटू जो टाइम का रेशियो होता है दोस्तों, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, यानी कि 5 यहाँ 5 यहाँ तो कैंसिल कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ बचेगा क्या 15:8 बचेगा। दोस्तों इनका जो प्रॉफिट हुआ इसको अगर 15 रुपया प्रॉफिट हुआ तो इनको 8 रुपये, तो दोनों को जोड़ देंगे 15 8 23 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 23 का लाभ नहीं, वो कुल 46,000 रुपये का लाभ हुआ, तो कितना गुना दिख है दोस्तों 23 गुना 6 2000 गुना दिख है, कितना गुना दिख है 2000 गुना दिख है। तो इसमें से कह रहा ए की राशि बताइए, तो ए 15 पाता है ना, तो 15 का 2000 में गुणा कर देंगे दोस्तों, 15 दूनी 30 30,000 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन में। आप सभी को उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा, अगर क्वेश्चन पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कह रहा है, ए और बी की दोस्तों क्वेश्चन 8 ओनली हिंदी में हो गया उसके लिए सॉरी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, ठीक है ना। ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 3:2 दे रखा है, फिर 10 वर्ष बाद उनकी आय का योग 80 होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, ए की आय मान लेते हैं x और बी की आय मान लेते हैं 2x, योग कह रहा है ना, यानी कि 10 साल बाद तो 10 इसमें भी जुड़ेगा और प्लस 2x प्लस 10 इसमें भी जुड़ेगा, तो 10 साल बाद इनकी जो आयु का योग होगा वो कह रहा 80 वर्ष है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आसान है। इसका आयु 3x इसका 2x मान लिया, 10 साल बाद ये 10 साल बाद ये दोनों में हमने 10-10 जोड़ लिया, तो कितना जाएगा 3 मिलकर 5x और ये प्लस 10-10 मिलकर 20 बराबर 80 हो जाएगा, तो 5x बराबर ये प्लस 20 उधर जाके माइनस, तो ये 60 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 12। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो आंसर क्या कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो इसका 12 3 36 हो जाएगा, इसका 12 2 24 है। एज रिलेशन वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, कोई टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ऐसे ही रखा जाए कुछ टफ किया जाए क्वेश्चन, आप सभी लोग डिमांड करिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। 8 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यह भी आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। उससे मुझे अंदाजा लगेगा कि आप किस लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों BIS के प्रीवियस ईयर लेने का, वहीं से लेटेस्ट पैटर्न को ले रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें।